嗯嗯嗯嗯。确实。<noise> <laughs> चलो जी गुड मॉर्निंग राधे राधे वंदे मातरम जय हिंद सभी का एक बार फिर से स्वागत है परफेक्शन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मेरी आवाज ठीक है कोई दिक्कत नहीं है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए जय श्री महाकाल जय हिंद वंदे मातरम शुरू करते हैं आज की ये क्लास मैं हूं पवन पाटीदार और हम देख रहे हैं रीजनिंग की इस आज के सेशन में घन गन और घनाभ बहुत ही इंटरेस्टिंग यह चैप्टर है क्योंकि मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में क्योंकि जितना इसका अच्छा नाम लगता है उतने अच्छे इसके अंदर के क्वेश्चन लगते हैं और इस बार की कॉन्स्टेबल एग्जाम में तो इसने बिल्कुल हाहाकार मचा रखा था चार तीन चार तीन चार क्वेश्चन हर एग्जाम हर एक शिफ्ट में आ रहे थे जिससे कि और ऐसे प्रश्न थे जो कि नए थे है ना जो आमतौर पर पूछे नहीं जाते इस एग्जाम में तो सबसे पहले हम उनको देखेंगे पर उससे भी पहले देखना यह जरूरी है कि वो प्रश्न बने कैसे हैं उनको करने का सोल्यूशन क्या है तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले जरूरी है ठीक है करें शुरू क्लास को चलिए जी क्लास को शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं अगर आपको नहीं पता है तो आज शाम को सात बजे दिवाली धमाका जैसे कि हमने आपको बताया ही था दिवाली है तो धमाका तो होगा हो ही होगा तो ये तो एक अलग बात हो गई कि 90 प्रतिशत महा बचत जो हर एक पेड कोर्स है उस पर आपको 90 प्रतिशत से भी ज़्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है उसके अलावा इसकी जितनी भी और कम फीस हुई है वो आपको आज शाम को सात बजे बता देंगे और उससे भी अलग है कि सबसे अलग जो कदम है या बहुत सारी अलग चीज़ें हैं जो हम आपके लिए कर रहे हैं चाहे आप यूट्यूब पर देख रहे हो या फिर आप एप्लीकेशन पर देख रहे हो सबके लिए है तो शाम को सात बजे इस क्लास में जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा अभी जाइएगा इस वीडियो के लास्ट में आपको इसका कंप्लीट मिल जाएगा उस पर क्लिक करके अलार्म सेट कीजिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को क्यूब एंड लोग इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जुड़े हुए होंगे नहीं जुड़े हैं तो यहां जुड़ जाइएगा क्योंकि हर एक वीडियो की लिंक क्लास का पी और कोई नई सूचना हम सबसे पहले यहीं देते हैं ठीक है चलिए इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक है क्लास का टाइमिंग ये होता है हमारी डेली यूट्यूब क्लासेस का जो टाइमिंग है ये है रीजनिंग में सुबह साढ़े आठ बजे एम पी जू के शाम पाँच बजे मैथ्स छः बजे और हिंदी रात आठ बजे ये सारे के सारे पेड कोर्स की फीस है पर आपको ये मत देखो क्योंकि आज तो दिवाली धमाका है तो धमाका ही होगा तो फिर इससे भी कम हो जाएगी और सारी चीज़ें ठीक है बात कर लेते हैं जो लोग नए हैं अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेलाइकन को दबाओ और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक करो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है अगर आप इनमें से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है अब यहां से हमारा जो चैप्टर आता है ना वो घन घन और घना घना आपको थोड़ी देर बाद देखेंगे क्योंकि वो एक अलग टाइप हो जाता है घन अलग है घन और घनाब में अंतर क्या है सबसे प्रमुख बात तो यही पता कर लेते हैं सर घन मतलब के सर एक ऐसी आकृति या एक ऐसा बॉक्स जो पूरी तरह से बंद हो आप लोगों ने देखा होगा ऐसा बॉक्स आपके घर का वो कमरा जिसमें अभी आप शायद बैठे हो आपके घर का कमरा जिसमें आप शायद सोते हो वो कमरा क्या है एक घन की आकृति में है उसके ऊपर छत है नीचे फ्लोर है इधर दीवार है इधर दीवार है आगे दीवार है पीछे दीवार है ठीक है ना तो ऐसा ही ये घन है और घन की जो सभी सतह होती है या चलो सतह वतह इतने भारी भरकम वर्ड थोड़ी देर बाद फेंकेंगे पहले सिंपल से बात करते हैं कि ये एक घन है और इसके पीछे की जो दो दो दीवार आप लोगों को नहीं दिख रही है वो कुछ ऐसी है अब दिखा आपको कंप्लीट घन मैंने येल्लो कलर के पेन से बनाया पहले कुछ लाइंस और फिर मैंने इस वाले येलो कलर से कुछ लाइन बना दी ये कंप्लीट घन दिख रहा है हमें अगर हम घन को देखना चाहें तो बहुत सारे और भी तरीके हैं घन को देखने के अगर हालांकि आप तो सभी घन को देख ही चुके होंगे क्योंकि आप लोगों ने बहुत सी बार कमरे को तो देखा ही होगा तो बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है घन और घनाभ में सिर्फ इतना अंतर होता है कि इस घन की हर एक भुजा जो होती है ना वो बराबर होती है मान लीजिए कि अगर ये पांच सेंटीमीटर की लंबाई है तो पांच सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई भी होगी और पांच सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई भी होगी मतलब कि हर एक तरीके से इसमें तीन चीजें होती है एक होता है लंबाई एक होता है चौड़ाई ये क्यों बता रहा हूं इतने ईमानदारी से अब समझिएगा क्योंकि बड़ा काम आने वाला है और एक होता है ऊंचाई इसी से बेस्ड क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन नहीं आए थे कि कितने बार रंगा जाए काटा जाए तो फिर ये मिलेगा ना 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 बाबा ऐसे मिले थे आप लोगों को पता है कि किसी घन की तीन चीजें होती है लंबाई होती है चौड़ाई होती है ऊंचाई होती है मैंने कहा लंबाई भी आपकी पांच चौड़ाई भी आपकी पांच ऊंचाई भी आपकी पांच ठीक है ना इसीलिए हम इसको घन कहते हैं क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव पर अगर मान लीजिए अगर आपको घन की जगह इसको घनाप बनाना है तो किसी भी एक पांच को कुछ और बना दो चार बना दिया या किसी को तीन बना दिया या यहां से इस पांच को एक बना दिया तो ये हो गया घनाप भाई साहब तीनों भुजाएं समान हो वो घन अलग अलग हो जाए चाहे एक भुजा अलग हो चाहे दो भुजा अलग हो या तीनों ही भुजाएं अलग अलग हो

तो कितने टुकड़े मिल गए मुझे एक कट लगाने पर एक टुकड़ा यह मिल गया एक टुकड़ा यह मिल गया मतलब एक बार काटने पर दो टुकड़े मिलते हैं पीस मिलते हैं ठीक है ना यह आपको पता चला अगर मान लो मेरी इच्छा हो गई मैंने दो बार कट लगाया तो कितने टुकड़े मिले एक टुकड़ा दो टुकड़ा तीन टुकड़ा मतलब मैंने दो कट लगाए तो तीन टुकड़े मिले अगर मान लो मेरी इच्छा हो गई मैंने तीन कट लगा दिए तो एक टुकड़ा दो टुकड़ा तीन टुकड़ा चार टुकड़ा मैंने भैया तीन कट लगाने पर मुझे चार टुकड़े मिले तो कहना क्या चाहते हो कहना यह चाहते हैं कि जितने कट लगाओगे ना उससे एक ज्यादा टुकड़े मिलेंगे जितना कट लगाया उससे एक ज्यादा टुकड़ा जितने कट लगाया उससे एक ज्यादा टुकड़ा सिंपल सी बात है आप किसी भी चीज को काटो बीच में से अगर आप इसको काट रहे हो एक बार काट रहे हो तो दो टुकड़े मिलेंगे दो बार काट रहे हो तो तीन टुकड़े मिलेंगे सेम चीज यहां भी है आप घन को भी काटो ये रहा आपका घन घन को कैसे काटा जाता है पता है जैसे कि मान लीजिए आपका कोई घन है आप लोगों ने वो खेला ही होगा क्यूब है ना जब छोटे बच्चे थे तो।, तो आपने जब उसको खेला तो उसको उसके बीच में ऑलरेडी लाइनिंग बनी होती है वो कटा हुआ ही रहता है क्योंकि उसको हम मोड़ते हैं तो उसको जब काटा जाता है ना तो आपने वो देखा है आ, किसी हथोड़े के पास से कोई हथोड़ा देखा हो या फिर कोई आरी देखी हो जिससे कि उसको काटा जाता है तो मान लीजिए कि जैसे कि ये घन है आप लोगों का छोटू सो घन बनाता हूं इस घन को काटने के लिए मैं क्या करूंगा पूरा ऐसे काटूंगा फिर ऐसे काटूंगा ये मैंने लंबाई में काटा अब मैं चौड़ाई में काटूंगा अब मैं ऊंचाई में काटूंगा ऐसे काटूंगा भाई पूरे पूरे को काटूंगा तीन बार काटूंगा एक लंबाई में एक चौड़ाई में और एक ऊंचाई में जैसे कि मेरा ये घन है तो आप यहां पर समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से ये मेरी ये ऐसा करके मैंने एक बार काट दिया ये मैंने लंबाई में काटा एक बार दो बार तीन, तीन बार ये मैंने ऐसे करके आरी पकड़ी और बिल्कुल उतार दिए ये छोटे छोटे लंबे लंबे मुझे बैग समोसे जैसे प्लीस मिल गए अब मेरी इच्छा हुई कि मेरे को और काटना है भाई लो मैंने इसको ऊंचाई में ऐसे काट दिया ऐसे काटा ऐसे काटा और ऐसे काट दिया मैंने इधर से आरी पकड़ी और इधर से तीन टुकड़े कर दिए मेरी इच्छा हुई एक बार और काटूं लो भाई यही एक बार इधर से काट दिया एक बार इधर से काट दिया और एक बार

एक बड़े घन की भुजा क्योंकि देखो एक ही भुजा दी जाएगी अपने आप हमें पता चल जाएगा कि तीनों घन की जो तीनों भुजाएं हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो तीनों ही दस दस सेंटीमीटर है तो कोई एक दे दी हमें दस सेंटीमीटर किसी एक घन की भुजा तो हमें पता चल गया कि भैया बड़े वाले घन की भुजा दस जब इन हमने इसको काट दिया छोटे 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 टुकड़ों में तो उसके बाद हमसे कह देगा कि छोटे वाले घन की भुजा हो गई दो सेंटीमीटर काटने के बाद जो आपका छोटा छोटा घन निकला ना उसकी भुजा हो गई दो सेंटीमीटर समझ रहे हो बड़े वाले घन की भुजा कितनी थी दस सेंटीमीटर छोटे वाले घन की भुजा कितनी गई? दो सेंटीमीटर तो आप इस दस के बटे में पांच तो कहने का मतलब यह है कि यह जो वैल्यू होती है ना ये एन की वैल्यू होती है यह मैं आपको बताता हूं पर पहले आप इस क्वेश्चन को जिस हिसाब से आपने काटा है उस हिसाब से समझना एन बराबर दस बटे दो मतलब आ गया पांच मतलब कि हमें पाँच टुकड़े मिलेंगे सर एक सतह से कितने टुकड़े मिलेंगे एक टुकड़ा दो टुकड़ा तीन टुकड़ा चार टुकड़ा अरे नहीं नहीं सर चार टुकड़े ही मिले तो फिर हमें अगर ये चीज दी जाती है तो ऐसे निकाल कर हमें पता करना है कि कितने टुकड़े मिलेंगे समझ रहे हो कितने टुकड़े मिलेंगे अब हमने यहां पर जो काटा ना वो हमने चार टुकड़ों में ही काटा इसका मतलब यहां पर ये वैल्यू अगर हमें क्वेश्चन में दी जाए तो हम कैसे टुकड़े बनाएंगे ये समझ में आ गई हमें पांच टुकड़े बनाने हैं तो मैंने कहा भैया मुझे अगर पांच टुकड़े बनाने हैं तो उसके लिए मुझे कितनी बार कट लगाना पड़ेगा चार बार कट लगाना पड़ेगा चार बार कट लगाऊंगा मैं ऊंचाई में चार बार चौड़ाई में चार बार लंबाई में अब समझना इसी घन को मैं चार चार बार कट लगाता हूं ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था कितने कट लगाए मैंने चार चार कट लगाना है एक कट मैंने ऐसा लगाया दूसरा कट तीसरा कट चौथा कट ये चार मैंने कट लगा दिए चार कट मुझे ऐसे भी लगाने थे साहब एक कट दो कट तीन कट चार कट चार कट मुझे ऐसे भी लगाने थे एक कट दो कट तीन कट चार कट मैंने सब दूर से चार 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 कट लगा दिए अब बात को यह समझना कि मैं कहना क्या चाहता हूं मैं इतनी रामायण क्यों करना चाहता हूं क्योंकि मैंने सर चार चार कट प्रत्येक भुजा से लगा दिए तो मुझे एक भुजा से कितने पांच टुकड़े मिल गए दूसरी भुजा से पांच टुकड़े मिल गए तीसरी भुजा से पांच टुकड़े मिल गए लंबाई ऊंचाई चौड़ाई तीनों से मुझे पांच पांच टुकड़े मिल गए तो उन पांच पांच टुकड़ों का क्या करना है एन की वैल्यू कितनी आ गई पांच तो टोटल टुकड़े कितने हैं ये निकालने के लिए कुछ मत करो इस एन का क्यूब कर दो इस पांच का क्यूब कर दो पांच का क्यूब होता है राइट आंसर right आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि भैया दस सेंटीमीटर के एक बड़े घन को दो सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन में काटा जाए तो कितने टुकड़े मिलेंगे एक सौ पच्चीस टुकड़े मिलेंगे गिन नहीं सकते साहब गिन नहीं सकते एक सौ पच्चीस टुकड़े मिलेंगे बात खत्म अगर मान लीजिए आपसे और भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं उनको मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा फिलहाल मैं आप लोगों को यहां कट और टुकड़े समझा रहा हूं तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं पहले वो समझो ये आया समझ में एन क्या होता है एन होता है भैया कुल टुकड़ों की संख्या क्या होता है कुल टुकड़ों की संख्या अच्छा एन का मतलब होता है एक फलक पर कुल टुकड़ों की संख्या और एन क्यूब का मतलब होता है ऑल तीनों फलक पर मिलाकर कुल टुकड़ों की संख्या ठीक है ना तो एन का मतलब होता है सिर्फ एक सतह पर टुकड़ों की संख्या और एन क्यूब का मतलब तीनों सतह को मिलाकर कुल टुकड़ों की संख्या बहुत से बार आप लोगों को क्वेश्चंस ये जो एन निकालने का फॉर्मूला टेन बाय टू ना इसको ऐसा लिखना इसका जो मेन फॉर्मूला होता है ये होता है एन बराबर कैपिटल एल बटे स्मॉल एल कैपिटल एल क्या होता है बड़े घन की भुजा बड़े घन की ये फॉर्मूला बड़ा याद रखना भाई भैया आगे काम आएगा स्मॉल एल का मतलब होता है छोटे घन की भुजा छोटे घन की भुजा ठीक है एन होता है मैंने अभी जस्ट बताया टोटल टुकड़ों की संख्या चलो ये भी लिख लो कुल टुकड़े एक फलक के है ना एक फलक के कुल टुकड़े एन एन क्यूब मतलब ऑल तीनों फलक के कुल टुकड़े चलिए फिलहाल आगे बात करते हैं साहब फॉर्मूले भी पढ़ते ही जाते हैं सर बाद में कब पढ़ेंगे आप लोगों के तीन फॉर्मूले होते हैं चलो बाद में पूछा गया था वो ये था क्या था कि यदि एक घन को नौ बार काटा जाए तो इस घन से न्यूनतम कितने टुकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं ये आपकी एग्जाम में पूछा गया था इस बार कि भैया अगर मान लीजिए आप किसी घन को काटते हो एक घन को नौ बार काट दिया आप लोगों ने तो नौ बार काटने पर न्यूनतम कितने टुकड़े प्राप्त होंगे सोचो सोचो पहले इसको सोचो जरा ईमानदारी से सोच के देखो कि सचमुच कितने टुकड़े हमें मिलेंगे फिर आगे हम करेंगे ये रहा भाई साहब आपका घन और इस घन में आपको क्या करना है चलो पहले मैं बता देता हूं नौ बार काटा जाए टोटल नौ बार कट लगाया है नौ बार काटा जाए तो पहले तो इस नौ को आप क्या करो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में बांट दो भाई ये नो किसी का क्यूब होता है क्या तीन तिया सत्ताईस नहीं सर तो फिर क्या होता है ये नौ बार काटा जाए इसका मतलब अगर मैं तीन बार लंबाई में काटू तीन बार चौड़ाई में काटू तीन बार ऊंचाई में काटू सोच के देखिए कि अगर मैं नौ बार किसी घन को काट रहा हूं तीन बार मैंने लंबाई में काटा तीन बार मैंने ऊंचाई में काटा और तीन बार तीन बार अगर मैं इसको क्या बच गया चौड़ाई में काटा तो मेरे पास टुकड़े टुकड़े कितने बच के आएंगे टुकड़े चार 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 आपने किसी घन को नौ बार काटा तो मैंने उसको लंबाई में चौड़ाई में और ऊंचाई में कन्वर्ट कर दिया लंबाई में तीन बार चौड़ाई में तीन बार ऊंचाई में तीन बार अरे लंबाई में तीन बार चौड़ाई में तीन बार ऊंचाई में तीन बार ऐसे काटा होगा ना मैंने किसी घन को तो ऐसे ही मैंने नौ बार काटा नौ बार ऐसा थोड़ी कि एक ही तरफ से भिड़िया में काटने के लिए नहीं मैंने ऐसा ही काटा होगा तो जब मैंने लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में काटा तो मुझे तीन बार काटने पर एक ज्यादा टुकड़ा तीन बार काटने पर एक ज्यादा टुकड़ा तीन बार काटने पर एक ज्यादा टुकड़ा अब मेरे भाई एक बात बताओ यहां पर आप लोगों ने प्लस किया है तीन तीन छीन नौ नो बार काटा तो टुकड़े कितने मिले चार 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 दो आठ चार तीन बारह टुकड़े मिले क्या नहीं यहां पर हमेशा मल्टीप्लाई होता है चार चौके सोलह सोलह चौके चौसठ एक तो हो गया मेरे भाई आप लोगों का आंसर चौसठ क्या आपके ऑप्शन में है चौसठ नहीं क्योंकि आपने ये जो नौ बार काटा ना ये आपने चौसठ टुकड़े कब बताए जब आपने अधिकतम पूछा जाता अधिकतम अगर इसी प्रश्न के लिए पूछा जाता तो काश आप ये वाला आंसर कर सकते थे ज्यादा से ज्यादा कितने टुकड़े मिलेंगे चौसठ टुकड़े मिलेंगे पर इसने पूछा था कि एक घन को नौ बार काटा जाए तो इस घन से न्यूनतम कितने टुकड़े मिलेंगे तो आप एक काम करो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही आपसे कि आप किसी घन को दो प्रकार से काट सकते हो आपकी इच्छा हो गई आपके पास कोई घन है आपकी इच्छा हो गई आप एक ही तरीके से बैठकर सिर्फ लंबाई में एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार छह बार सात बार आठ बार नौ बार काट दिया तो आपको कितने टुकड़े मिलेंगे जितने कट उनसे एक ज्यादा टुकड़ा दस टुकड़े मिलेंगे मैंने कहा आप एक तरीका तो यह हो गया कि सिर्फ एक ही तरीके से काट रहे हो और आपकी इच्छा हो गई कि मैं नौ बार टोटल काटूंगा तो सही पर एक बार लंबाई में कुछ बार चौड़ाई में कुछ बार ऊंचाई में और आपको पता है घन है तो बराबर कटेंगे तो बराबर कर दिया तीन 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 तो टुकड़े मिल गए चार 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 और तीनों का मल्टीप्लाई चौसठ बात समझ में आ रही है तो सीधा जितनी बार इसने काटा है ना एक ही दिशा से काट दो वापस से मैं उस स्लाइड पर चलता हूं जिस पर मैंने आपको ये सारे टुकड़े बताए थे ये रही वो स्लाइड मैंने कहा था आपसे कि आप जितने कट करते हो उससे एक ज्यादा टुकड़ा मिलता है तो मैंने क्या किया एक ही दिशा से ऐसे काट दिया नौ बार एक दो तीन नौ बार तो मुझे एक ज्यादा टुकड़े मिल गए पर पर अगर मैं उसी को को जैसे कि मैंने यहां पर इस चार कट को अलग अलग किया था वैसे ही मैं बात कर रहा हूं वहां मैंने नौ कट को भी अलग अलग किया तीन बार चौड़ाई में तीन बार ऊंचाई में तीन बार ऐसे तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कहना चाहता हूं मिनिमम आ जाएंगे आप लोगों के उस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर कितने मिनिमम आ गए भैया आप लोगों के दस और मैक्सिमम कितने आ गए आप लोगों के सिक्सटी फोर कोई दिक्कत नहीं है आई बात समझ में अगला प्रश्न अगला प्रश्न आप लोगों का वही था जो मैंने आपको पिछले प्रश्न में बता दिया अधिकतम कितने टुकड़े मिलेंगे तो जितनी बार काटा गया है जैसे नौ बार काटा गया है ना तो हमसे पूछा गया है अधिकतम तो आप इसको तीन बार में अलग 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 बांट लो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो हम इस नौ को ऐसा बांटेंगे कि बराबर संख्या में बांट ले तीन 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 छह तीन तीन नो तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है नो no. मतलब आपने जितनी बार कट ना बराबर कट और यही हमारा क्या था मैक्सिमम टुकड़े ज्यादा से ज्यादा कितने टुकड़े बना सकते हो आप टुकड़े बना सकते हो आंसर अच्छा ऐसा कोई तुक्का भी मत लगाना कि ज्यादा से ज्यादा है तो चलो सबसे हाईएस्ट नंबर बता दे नहीं ऐसा नहीं कर सकते अच्छा एक बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब आप लोग मुझे ये बताइए यहां तो एक ऐसी संख्या थी जो तीन की टेबल में आती थी तो मैंने तीन तीन छीनों बराबर संख्या में काट दिया पर बहुत सी बार ऐसी भी तो संख्या मिलेगी जो तीन की टेबल में नहीं आती है यहां बराबर संख्या नहीं आएगी तो वहां क्या करेंगे अगला प्रश्न वैसा ही है घन को सत्रह बार काटा जाए अब क्या कर लोगे सत्रह बार काटा गया अब किसी घन को अगर आप मान लीजिए सत्रह बार काटते हो तो उसको लंबाई में भी काटा होगा चौड़ाई में भी काटा होगा ऊंचाई में भी काटा होगा और हमसे तो अधिकतम पूछेगा न्यूनतम तो हर कोई बता देगा कि भाई एक ही दिशा से अगर वो नो बार अच्छा चलो मैंने अभी न्यूनतम बताया आप लोग मुझे एक बात बताओ सिर्फ कमेंट ये कीजिए कि जब हमने उसको न्यूनतम काटा तो क्या हमने उस घन से घन बनाया या घन से घनाभ बनाया मैंने आपको बता दिया घन और घनाभ क्या होता है मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जब आपने किसी घन को नौ बार काटकर उसे न्यूनतम कितने टुकड़े मिले तो आपने उसको नौ बार जब एक ही दिशा से काटा तो आपने उसको घन से घन में काट कर कन्वर्ट किया डिवाइड किया या फिर घन गन से घनाब में कन्वर्ट कर दिया सोचा आपने ये बात आपने उस घन को एक ही दिशा से काटा ना इसका मतलब वहां तो सर ऐसे लंबे लंबे हमें स्लाइस मिल गए होंगे ऐसे लंबे लंबे

कि किसी क्यूब को काट कर कितनी बार काटा जाए वो दिया था आप क्यूबोइड में बना दो और क्यूब से क्यूबोइड में बनाने वाले क्वेश्चंस कोई पढ़ के ही नहीं गया था क्योंकि क्यूब 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 से 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 पढ़ा 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 था क्युबोग क्युबोग पढ़ा था क्यूबोइड 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 किसी ने नहीं पढ़ा? कि सर बार अगर काटा जाए किसी घन को तो उसको घनाभ में बनाना था जैसे कि यह प्रश्न देखो अब आपको पता है कि सर तीन के टेबल में सत्रह नहीं आता क्योंकि सत्रह एक बाद संख्या है तो अब क्या कर लेंगे सर पहले ना तीन की टेबल के आसपास या सत्रह के आसपास कोई तीन की टेबल चल रही है क्या अगर मैं देखूं तो तीन की ऐसी टेबल जो या तीन का ऐसा पेयर जो सत्रह के आसपास चल रहा हो छ छे, छे बारह छेती अठारह अगर सर मैं छह के पेयर ले, ले लेता हूं ऐसी संख्या सर जो बराबर इस सत्रह के आसपास चल रही है वो है छ छा छे, छे। छे, छे छे और छेती अठारह अच्छा मुझे तो सत्रह ही चाहिए तो किसी भी एक भुजा को कर दो कम आप कहोगे सर ऐसी तो बहुत सारी संख्याएं होती है फिर ऐसी कहां कहां ढूंढते रहेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं आप बस इसके आसपास का ऐसा तीन तीन का पेयर ढूंढना हो सकता है आपको पांच 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 पच्चीस मिले कोई पेयर कोई छः सॉरी पांच 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 पंद्रह मिले छे छः अठारह मिले या फिर सात 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 इक्कीस मिले तो 21 अगर मिल रहा है तो 21 के आसपास की संख्या 15 मिल रहा है तो उसके आसपास की संख्या आपको कुछ भी नहीं करना है उसके आसपास की संख्या ढूंढनी है अभी मैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आप अपने आप समझ जाएंगे कट कितने हो गए भैया और छोच तो टुकड़े कितने बनेंगे टुकड़े टुकड़े, कितने बनेंगे? छे छे कट अगर सात का गुणा किया जाए तो सात दो चौदह की चार हसील एक सात चौके अट्ठाईस और एक सौ चौरानवे टुकड़े मिलेंगे कितने टुकड़े मिले दो सौ चौरानवे टुकड़े ऑप्शन नंबर तीन भाई लो देख लो किसी घन को अगर सत्रह बार काटा जाता है ना तो टोटल ज्यादा से ज्यादा दो सौ चौरानवे टुकड़े मिल सकते हैं इससे ज्यादा नहीं मिल सकते आप कहोगे सर पर हमारे क्वेश्चन में तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना आपने पांच यहां रखा हम यहां रख ले यहां रख ले कोई फर्क नहीं पड़ता सर हम ऐसा भी तो कर सकते थे इस पंद्रह को कि पांच पांच और पांच पांच पांच, पांच दस और पांच पंद्रह कर सकते थे ना और सर इसकी जगह हम दो जोड़ देते तो पांच पांच दस सॉरी पांच पांच दस और पांच पंद्रह हो रहा था तो सर इसकी जगह हम सत्रह बनाने के लिए ऐसा कर देते कि एक इधर से छः बना देते और एक इधर से छः बना देते तो छः छः बारह और पाँच सत्रह तो मैंने भी तो वही किया था छः पाँच छः 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 पाँच आप कह रहे हो कि सर हम इसको तो ऐसा भी कर सकते थे कि सात 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 चौदह और सात इक्कीस सर सत्रह में से इक्कीस घटाएं तो कितना बचता है चार बचता है तो हम एक टुकड़े को चार कर लेते सात सात चौदह और चार सॉरी शायद मैंने गलत कर दिया सात सात चौदह और तीन सत्रह तो सर ऐसा भी कर सकते थे सात सात तीन बिल्कुल कर सकते थे करके भी देखो करना भी चाहिए सात टुकड़े सात टुकड़े तीन टुकड़े ऐसा क्यों नहीं किया हमने क्योंकि सात टुकड़े तो सात कट तो आठ टुकड़े सात कट तो आठ टुकड़े और तीन कट तो चार टुकड़े ऐसा करने पर भी हमें पता चलेगा कि यहां भी मल्टीप्लाय यहां भी मल्टीप्लाय आठ आठ चौसठ और चौसठ में चार का गुणा करेंगे तो चार चौक सोलह की छह हासिल एक छ चौक चौबीस और एक पच्चीस कितने टुकड़े मिले दो सौ छप्पन दो ज्यादा होता है कि दो ज्यादा होता है सर दो कम होता है दो ज्यादा होता है हमसे पूछा था अधिकतम तो हम तो यही आंसर करेंगे ना क्या सीखने को मिला कि सर यहां सात सात तो एक जैसे थे पर सात से जो तीन की दूरी थी ना वो कितनी थी चार थी सात में चार जोड़ने पर तीन आता है मतलब यहां दूरी बढ़ गई जब किसी संख्या को हम ऐसे लें और दूरी बढ़ जाए तो टुकड़े कम आते हैं पर हम कोई ऐसी संख्या ले ले सर जिसमें दूरी कम हो छे और छ में कोई दूरी नहीं है पर और छ में सिर्फ एक की दूरी है तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जितने नंबर ऑफ कट्स लो ना उनमें दूरी कम होनी चाहिए बहुत सी बार ऐसा भी होगा कि आपको यहां तीनों टुकड़े एक जैसे नहीं मिलेंगे तीनों अलग अलग मिलेंगे हो सकता है दो तीन चार लेना पड़ जाए चार पांच छ लेना पड़ जाए तो वहां क्या करोगे आप दूरी जितनी कम होगी उतने अधिकतम टुकड़े मिलेंगे आपको जितनी दूरी यहां कम थी टुकड़े उतने ज्यादा मिले यहां दूरी बढ़ गई टुकड़े कम मिल गए बात समझ में आ गई आ गई कितने लोगों को फटाफट भट से हम सब कर दो और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो भैया तो ये बात चलो ये रहने देता हूं ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि ऐसा हमें नहीं करना है आई बात समझ में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं एक घन को तीस बार काटा जाए तो घन से अधिकतम कितने टुकड़े प्राप्त होंगे लो भाई अब तीस बार काटना मुझे तो ज्यादा से ज्यादा टुकड़े चाहिए सीधा आंसर आ रहा है चलिए पेड़ वालों से अच्छा पढ़ा रहे हो अरे रे क्या करूँ फिर निकल जाऊं मैं <laughs> देखो ईमानदारी से बताएं कभी भी ना कोई भी टीचर ऐसा नहीं करता है कि पेड़ कार उस क्लास वाले को ज्यादा अच्छा पढ़ाए फ्री वालों को कम अच्छा पढ़ाए है।, है ना <laughs> ऐसा कोई टीचर नहीं करता है दिक्कत क्या होती है पता है जब कोई चीज समझाने के लिए कोई टीचर समझाने का प्रयत्न करता है ना तो यूट्यूब पर क्या होता है खुला मार्केट होता ही है ये कोई आ रहा है कोई जा रहा है कोई कभी मेरे पापा आए कभी मेरे पापा ने मेरी वीडियो देखी कभी मेरे ताऊ जी देख रहे हैं कभी आपके पिताजी के सामने आ गया कोई वीडियो कह रही है, क्या पढ़ा रहा है मास्टर देखता हूं उन्होंने देख लिया उनको कोई मतलब नहीं है पेड कर्स क्लास में वही स्टूडेंट आते हैं जिनको सिर्फ पढ़ना है दूसरी बात अगर मान लो मैं इतना कंटेंट ये जो मैं आज दे रहा हूं ना अगर ये मैं आपको एग्जाम से पहले देता मैं आपको कह देता कि एग्जाम में नहीं आता तो आप पढ़ते नहीं पढ़ते पर पेड वाले पढ़ते हैं उनको पता है कि जो पढ़ा रहा है भाई पढ़ना पड़ेगा पैसे दिए हैं अच्छी चीज़ पढ़ा रहा होगा दूसरी बात कोई ऐसा कंटेंट जिसमें हम ज़्यादा डीप में जाना चाहते हैं कि चलो थोड़ा डीप में पढ़ा देते हैं ताकि यार इनको और ज़्यादा क्लियरेंस हो जाए तो अगर मैं यहाँ यूट्यूब पर डीप में पढ़ाने लग जाऊँ ना तो आपकी संख्या कम होती जाए कम होती जाए क्योंकि यहाँ यूट्यूब में क्या है हर कोई बंदा डीप में नहीं पढ़ना चाहता उसको लगता है सिर्फ शॉर्टकट मिल जाए और काम खत्म पर हालांकि बहुत सी बार हमेशा जीवन में एक बात ध्यान रखना मेरे बड़े पापा ने मुझसे एक बात कही थी कि कभी भी शॉर्टकट मत लेना कभी कभार ले लो वो बात अलग है पर हमेशा शॉर्टकट मत लीजिए क्योंकि शॉर्टकट का रास्ता होता आसान है पर आगे जाके दुख देता है तो भैया शॉर्टकट में हमेशा यूट्यूब में भी शॉर्टकट सॉरी पेड में भी शॉर्टकट बताता हूँ पर उनको लंबी विधि भी बताता हूँ कभी मान लो आपको ये शॉर्टकट समझ में नहीं आया या इस शॉर्टकट से कहा गलती हो जाती है तो ये लंबी विधि हमारा साथ देगी हमेशा एक बार मैं जा रहा था मैंने शॉर्टकट ले लिया और मैं गिर गया बाइक से तो मेरे पापा ने आके मेरे को यह सलाह दे दी बेटा शॉर्टकट मत लो थोड़ा सा राउंड ऑफ लेके चले जाओ पेट्रोल ही ज्यादा लगेगा चलेगा पर सुरक्षित घर आ जाओगे मैंने कहा यह बात भी सही है तो हमेशा ध्यान रखिएगा शॉर्टकट जरूरी है जीवन में पर हर बार नहीं तीस टुकड़े थे तो तीस को तीन बार काट दिया दस 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 अरे सर ये तो बड़ा आसान हो गया कितने कट मिल गए हमें दस 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 टुकड़े कितने मिल गए एक एक ज्यादा ग्यारह 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 का मल्टीप्लाई तो तेरह इकत्तीस होता है सर ग्यारह का क्यूब तेरह सौ इकत्तीस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीन सिंपल सा आंसर था सर इसका कोई दिक्कत नहीं थी सिंपल सा आंसर तीस बार काटा दस 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 में कटा ग्यारह 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 टुकड़े मिले तेरह इकतीस आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अगर एक घन के एक सौ पच्चीस टुकड़ों में काटने के लिए न्यूनतम कितने कटानों की आवश्यकता लगेगी चलो मैं आपको एक आ, इस प्रश्न को करवाने से पहले एक और एग्जाम्पल छोटा सा दे देता हूं है ना जिससे आप और भी ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे देखो मान लीजिए आपसे अगर ऐसा कह दिया जाता कि चौबीस टुकड़े होते हैं नहीं चौबीस तो आपको आता है तेईस तेईस भी आता है आपको और टुकड़े, और टुकड़े और टुकड़े और टुकड़े और टुकड़े नहीं ये भी आता है आपको चलो सात टुकड़े होते मान लीजिए आपसे मैं कह देता कि आपने किसी घन को सात बार काटा सात बार काटा तो भैया मुझे अधिकतम टुकड़े बताओ कितने होंगे और कोई ऑप्शन नहीं है बताइए आपको सात बार काटना है सात बार काटना है बताओ सात के कितने पेयर बन सकते हैं जरा सोच के देखिए सात बार काटना है तो आप इसको तीन बार का... तीन टुकड़ों में काटना है तीन बार इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा तो मैं तीन में कर दूं तीन में कर दूं और तीन में कर दूं तो नौ हो जाएगा मैं दो 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 में कर देता हूं दो 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 आप कहेंगे दो दो चार दो वे

देखो भाई तीन की टेबल में कहीं पचास के आसपास कोई संख्या आती हो तो बारह दुआ चौबीस बारह तेरह छत्तीस पंद्रह पंद्रह दुआतीस पंद्रह दा पैंतालीस सोलह सोलह दो बत्तीस सोलह अड़तालीस हाँ सोलह 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 चल जाएगा सत्रह 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 भी तो जा सकता है सोच के देखो सोलह सोलह दो बत्तीस सोलह तिया <laughs> 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 सॉरी सोलह <laughs> सोलह सोलह का भी जा सकता है सत्रह 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 का भी जा सकता है कौन सा आप ज्यादा नजदीकी समझेंगे पचास के आसपास इसको मानेंगे ज्यादा आप कहेंगे सर अगर सोलह 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 कर लिया तो सोलह सोलह दो बत्तीस और सोलह तिया सोलह सोलह और सोलह को अगर मैं करता हूं तो कितना हो जाएगा मेरा अड़तालीस हो जाएगा मतलब दो कम आ रहा है और अगर मैं सत्रह 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 को करता हूं तो मेरे एक ज्यादा आ रहा है तो आप अड़तालीस को लोगे कि इक्यावन को लोगे अरे मेरे भाई इक्यावन को लोगे ना और यहां पर सोलह कर दोगे क्योंकि तो सर मेरे दो टुकड़े यहां बिल्कुल समान है और यहां पर जो दूरी है ना वो मेरी कितनी आ रही है एक की आ रही है ऐसा ही करोगे ना पर ऊपर वाले ने बिगाड़ा भी क्या था सोलह 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 और एक सोलह को हटाकर हम इसको अट्ठारह लिख देंगे तो सोलह सोलह और सोलह कितना हो रहा था अड़तालीस दो जोड़ा पचास हो गया आप लोग यहां पर सिंपल सा समझ रहे हैं कि हम सोलह सोलह अठारह क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि साहब यहां पर दो का अंतर आ रहा है सिंपल सा सीधा सीधा सा दो का अंतर दिख रहा है और यहां सत्रह सत्रह और सोलह सिर्फ एक का अंतर दिख रहा है मैंने कहा जहां अंतर कम हो वो वाली संख्या ले लेना टुकड़े बहुत ज्यादा मिलेंगे टुकड़े ज्यादा इसी से मिलेंगे सत्रह सत्रह सोलह आंसर आपका आ जाएगा सत्रह में सत्रह और सत्रह में सत्रह का गुणा कर लेना सत्रह में सत्रह और उसमें फिर सोलह का गुणा कर लेना आपका आंसर आ जाएगा हाईएस्ट जो नंबर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा वेरी गुड बहुत बढ़िया चलिए फिलहाल इसको हटा देते हैं ये आपके इसमें नहीं रहेगा ठीक है हाँ अब आप लोगों के सामने ये रहा वो प्रश्न जिसकी हम बात कर रहे थे अब आप लोगों का ना टाइप सेकेंड ये वाला प्रश्न भी आपके एग्जाम में आया था ये जस्ट उसका उल्टा है दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे एक तो ये था कि टुकड़े दे दिए जाए नौ दस पंद्रह बीस और कितने सॉरी कट दे दिए जाए इतनी बार काटा जाए तो कितने टुकड़े मिलेंगे और लाइक करो यार क्या कर रहे हो आप लोग जल्दी से जितने लोग लाइव उतने लाइक करो जल्दी से जब तक लाइक करने के लिए ना कहा जाए तब तक लाइक नहीं करेंगे सर लाइक करो सभी लोग हाँ तो मैं बता रहा था कि एक तो होता है कट कट दे दिए जाए टुकड़े निकालना है और एक होता है टुकड़े दे दिए जाए कट निकालना है जैसे कि 125 सौ हमें सर टुकड़े दे दिए गए तो 125 टुकड़े को भी मैं लंबाई में चौड़ाई में और ऊंचाई में काटता हूं या बांटता हूं तो कैसे बांटूंगा मैं 125 का ना सर एलसीएम ले लूंगा या फिर आ, इसको ऐसे करके मैं सॉल्व कर लेता हूं कि मैं कैसे भैया इसका एलसीएम ले सकता हूं या मैं इसको कैसा छोटा कर सकता हूं बांट सकता हूं सर पांच के टेबल से कटेगा पांच दुआ दस पांच पांच पच्चीस पांच के टेबल से कटेगा सर पांच बार और पांच एकम पांच कितनी बार कटे भैया पांच 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 कितने टुकड़े सर पांच टुकड़े एक से पांच टुकड़े दूसरे से पांच टुकड़े तीसरे से पांच टुकड़े लंबाई से पांच टुकड़े चौड़ाई से पांच टुकड़े ऊंचाई से तो सर मुझे पांच पांच में पांच का गुणा पच्चीस और पच्चीस में पांच का गुणा कितना मिल गया एक सौ पच्चीस मिल गया टुकड़े तो यहां पर मुझे टुकड़े मिल गए पांच 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 आप जानते हैं सर जितने टुकड़े होते हैं ना उनसे एक एक कम होता है कट नंबर ऑफ कट कितना होता है चार चार छह तीनों को जोड़ देंगे सर चार चार सोलह चार चार आठ और चार तिया बारह हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी सभी लोगों लगभग, लगभग मल्टीप्लाई होता, होता है अब यह मत सोचना पिछले वाले में तो आपने यहां पर प्लस किया था और यहां पर गुणा किया तो भाई ये कट थे ये टुकड़े थे अब मैंने पिछले वा, अगले वाले प्रश्न में क्या लिखा है टुकड़े ऊपर लिखा है कट नीचे लिखा है एक में से अगर मैं काटता हूं अलग अलग तो पांच लंबाई में पांच चौड़ाई में और पांच ऊंचाई में टुकड़े मिले तो कट कितने मिलेंगे एक एक कम तो चार 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 मतलब बारह अगला प्रश्न था हमारा हंड्रेड हर बार भी ऐसा नहीं होगा ना कि कोई क्यूब हमें मिल जाए हमें ऐसी संख्या मिल गई दस किसी का क्यूब नहीं होता अब क्या करोगे सॉरी हंड्रेड किसी का क्यूब नहीं होता तो आप क्या करोगे हंड्रेड को आप ऐसे करके निकाल लो दस की टेबल से कटेगा पहले आप हाइएस्ट नंबर पर मत जाओ पहले आप छोटी छोटी संख्या से निकालो दो से निकालो दो पंजे दस जीरो दो दो बार चार दो पंजे दस पांच की टेबल में आता है पच्चीस पांच बार पांच एकम पांच अब इसको करने का भी तरीका जैसा वो था वैसा ये है कि जो दो संख्या हमें समान मिल जाए ना उसको तो समान ही रहने दो उसको उसको छेड़ा छड़ी मत करना वरना गलत हो जाएगा पांच पांच थोड़ा हाईएस्ट नंबर भी है और समान भी है दूसरी जो दो संख्या है ना उनका मल्टीप्लाई करके तीन संख्या में इनको बना लो इस दो में दो का गुणा करेंगे तो चार मैं कह रहा हूं भैया कि सौ टुकड़े अगर मुझे मिले थे तो मैं उसको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में अगर बांटता हूं तो एक तो मेरा पांच आ गया दूसरा भी मेरा पांच आ गया और तीसरा क्या था दो दुआ चार चार आ गया अब मैं कहूंगा सर पांच पांच और चार का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे आ जाएंगे सो टुकड़े ठीक है सो टुकड़े नंबर ऑफ कट कितने मिलेंगे कट मिलेंगे सर पांच टुकड़े में चार कट पांच टुकड़े में चार कट और चार टुकड़े में तीन कट कितने मिल गए चार चार आठ नौ दस ग्यारह नंबर ऑफ कट मिल गए इलेवन हमने सर ग्यारह बार काटा होगा जब जाके हमें सौ टुकड़े मिले होंगे इसका उल्टा भी कर सकते हो ग्यारह बार काटने पर हमें कित कौन कौन से नंबर को काटा होगा चार चार तीन को काटा होगा ये टुकड़े मिले वो हमारे टुकड़े. ये हमारे टोटल टुकड़े आ रही बात समझ में अगर कोई बीच में से देख रहा है तो उसको शायद ये बातें समझ में नहीं आएगी कि ये क्या यार कभी टुकड़े कहता है कभी कट कहता है पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहा है आप कंप्लीट देखिएगा है ना अगर आप बीच में से भी आए हैं तो आपको हो सकता है ये बातें समझ में ना आ रही हो तो आप स्टार्टिंग से वीडियो को देख लीजिएगा कंप्लीट समझ में आएगा ठीक है क्योंकि ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ये बेस जब आपका क्लियर नहीं होगा ना तो समझ में नहीं आ पाई डेढ़ सौ को भैया ऐसे ही बांटते हैं दो की टेबल से काटेंगे दो सात चौदह दो पंजे दस तीन की टेबल से काटेंगे तीन दो आ छ तीन पंजे पंद्रह पांच की टेबल से काटेंगे पांच बार की टेबल से काटेंगे एक बार सर डेढ़ सौ टुकड़ों को लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में बांटा तो आपको पता है कि जो एक कॉमन नंबर होता है ना उसको मत हटाया करो जैसे कि यहां एक कॉमन नंबर है पाँच -पाँच। तो को को मत हटाओ पाँच को पाँच ही रहने दो पांच को पांच ही रहने दो बाकी के दो नंबर का मल्टीप्लाई कर लो तीन दो साहब ये हमें मिल गया पांच पांच और छह के पेयर में हम इनको बांट देंगे ये हमारे टोटल नंबर ऑफ टुकड़े हैं क्या है टुकड़े हैं अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं नंबर ऑफ कट की तो एक एक कम कर दो चार चार पांच कितने हो जाएंगे पांच चार नौ और एक दस तीन तेरह हमारे नंबर ऑफ कट्स कितने हैं थर्टीन है तेरह है अब ये कितने आसान लग रहे होंगे ना आप लोगों को चलो अगला वाला करके दिखाओ जरा दो सौ दस वाला दो सौ दस वाला करके दिखाइएगा कि साहब अगर दो सौ दस हमारे पास छोटे छोटे टुकड़े मिले हो आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा कि आपने जब इसको काटा और वो जो छोटे छोटे घन नहीं मिल जाते हैं हमें ये देखो ये एक छोटा घन है 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 तो ये सारे के सारे घन है तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो छोटे 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 टुकड़े होते हैं ना वो है 210। तो अगर 210 टोटल टुकड़े हैं हमारे पास 210 अगर टोटल टुकड़े हैं हमारे पास 210 अगर टोटल टुकड़े हैं तो हम इनको कैसे काटेंगे पहले तो दो की टेबल से काटेंगे दो कम दो जीरो दो पंजे दस दो पंजे दस अरे 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 दो की टेबल से थोड़ी कटेगा पांच की टेबल से काट लेते हैं पांच दुआ दस पांच एकम पांच तीन की टेबल से काटेंगे बार और की टेबल से काटेंगे दो करेंगे 210 अगर टोटल टुकड़े हैं तो उनको लंबाई में उनको चौड़ाई में उनको ऊंचाई में काटते हैं तो सब हम किसको पैर बनाएं किसको छोड़ दें आप देखो पहले दो है पांच है तीन है और सात है किसका किसका पैर बना सकते हो आप और अधिकतम अंतर ना कम लेना भैया आप कहो पांच और सात को रहने दो इस दो और तीन का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो भी ही होता है तो नंबर ऑफ टुकड़े जो है वो क्या मिलेंगे पांच छ और ठीक है ना देखिए दो में तीन का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा छ चलो पांच लिख देता हूं यहां एक और एक छत आइए बात समझ में मैं पांच छह साथ ही क्यों ले रहा हूं आप चाहते तो इसको ऐसा भी कर सकते थे क्या कर सकते थे सात और तीन को रहने तो पांच दुआ दस कर लें तो सर हमें दस तीन और सात मिल जाता पर इनके बीच में दूरी कितनी आ जाती दस और सात के बीच की दूरी कितनी है तीन और दस और तीन के बीच की दूरी कितनी है सात और यहां देखिए पांच छह और सात में देखो इसके बीच की दूरी एक इसके बीच की दूरी एक और इसके बीच की दूरी दो बहुत मिनिमम दूरी है सर तो जितनी दूरी कम होगी ना उतने ही ज्यादा से ज्यादा टुकड़े मिलेंगे हमें तो भैया यहां पर हमें टुकड़े मिल गए कितने पांच गुणा छुना सात नंबर ऑफ पीसेस कितने मिलेंगे नंबर ऑफ कट कितने मिलेंगे चार पांच और छह के कम मिलते हैं ना सबको जोड़ दिए छह चार दस और पांच पंद्रह कितने लोगों का आंसर पंद्रह आया था बताइए ईमानदारी से आप इससे भी कर सकते थे दस तीन और सात दस तीन और सात दस टुकड़े हैं तो नौ बार काटा होगा तीन टुकड़े हैं तो दो बार काटा होगा सात टुकड़े हैं तो छह बार काटा होगा इनको जोड़ लो आप कहेंगे सर ये कितने टुकड़े हो रहे हैं हमारे आ, ये कितना जोड़ने पर आ रहा है नौ दस ग्यारह बारह तेरह अरे छह और दो आठ 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 सोलह और एक सत्रह सर ये हमने ना सत्रह बार काटा होगा हमने कितनी बार काटना है सर हमने कितनी बार यहाँ पंद्रह बारी काटा आप प्रश्न की लैंग्वेज को समझो एक घन को 210 टुकड़ों में काटने के लिए न्यूनतम कितने कटानों की आवश्यकता होगी कम कटान चाहिए तो पंद्रह कटान काटोगे कि सत्रह कटान पंद्रह कटान भाई कम से कम बार काटना है और ज्यादा से ज्यादा टुकड़े चाहिए तो क्या काम करोगे ये जो आप लोगों के नंबर रहेंगे ना ये जो नंबर इनके बीच की दूरिया बहुत कम होनी चाहिए ठीक है ना वैसा ही हमने वहां भी किया पर वहां टुकड़े मिल गए बार बार काटना पड़ा और यहां बार तो हमारा ये काम का है, भाई, ये काम का नहीं है। हमेशा आप लंबाई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को जब भी मानो तो क्या करोगे आप उनके बीच की दूरी को कम कर लेना चलिए अगला अगला प्रश्न अगला टाइप अगला लॉजिक अब इसके लिए मैं वापस से आपके कॉन्सेप्ट वाली स्लाइड पर चलता हूं ये रहा आपका कॉन्सेप्ट वाली स्लाइड चलो अब यहां से फिर एक नया कॉन्सेप्ट सीखो है ना आपका एक घन है आपके इस घन को मान लीजिए पूरा के पूरा काले कलर से रंग दिया जाए काले 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 सब ओर से काला मतलब काले कलर में इसको एक बार डुबकी लगाई जाए इसकी पूरा काला हो जाएगा ऊपर नीचे लाएं बाएं सब दूर से काला ही काला दिखेगा ये तो अगर पूरा की पूरा कलर ही इसका काला कर दिया जाए या लाल कर दो तो आपके तीन प्रश्न बनते हैं या तीन फॉर्मूले बनते हैं कि बताइए रंगहीन घन रंगहीन घन मतलब ऐसा कोई घन है क्या जिसकी एक भी सतह कलर ना हो जीरो पैसेस कलर्ड बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं जीरो पैसेस कलर्ड अगर मैं कह दूं कि केवल एक सतह रंगीन होना एक सतह रंगीन मतलब वन फेसेस कलर्ड अगर मैं कह दूं कि दो सतह कलर होना दो सतह कलर टू फेसेस कलर और एक होता है आपकी तीन सतह कलर तीन सतह रंगीन होना या कलर्ड होना थ्री फेसेस कलर इनके फॉर्मूले याद कर लो बाकी तो आप लोग आराम से कर लोगे फॉर्मूले क्या होते हैं बहुत आसानी से फॉर्मूले आप निकाल सकते हो जीरो फेसेस, वन फेसेस, टू फेसेस, थ्री फेसेस। अब हमेशा ध्यान रखना कि तीन फलक तीन आ, तीन सतह रंगीन होना इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई इसका हमेशा आंसर आता है आठ काले वाले को हटाओ इधर आते हैं बात मैन यहां करते हैं हम कि मान लीजिए मैंने एक घन को काटा दो बार काटा तीन बार ले लो तो अच्छे से समझ जाओगे एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन ये मेरा एक घन था अब जरा ध्यान से आप बोर्ड की तरफ देखिएगा बाकी कहीं नहीं देखना है आपको रंगहीन घन इसको छोड़ दो पर मुझे एक बात बताओ जब आपने इस घन को काटा होगा ये पूरा की पूरा मैं कह रहा हूं कलर है काला मतलब जब इस घन को उठाया काले कलर की बाल्टी में इसको डुबकी लगा दी तो भैया ये ऊपर ऊपर सतह से हम क्या करते हैं जब सुबह सुबह उठते हैं तो हम अपने फेस पे कुछ लगाते हैं तो वो हम बाहरी चीजों को दिखाने के लिए लगाते हैं पाउडर लगाते हैं या फिर फेर एंड हैंडसम लगाते हैं जो भी लगाते हैं तो वो हमने हमारी बाहरी त्वचा से या बाहरी त्वचा अच्छे दिखे इसलिए करते हैं ना अंदर तो हमारी त्वचा सबकी सेम ही है ना वही चमड़ी वही दिखती है अंदर जैसी दिखती है सब लोगों की तो भैया इस घन में भी सेम वही था इसको उठाया और एक डुबकी लगा दी ब्लैक कलर के कलर में तो बाहर बाहर से तो ब्लैक हो गया पर अंदर से तो अभी भी ये जैसा कलर था वैसा ही होगा ना तो जब आपने इसको काटा तो काटने पर पता है यहां से एक आपने बाहर किया तो इसके पीछे आपको एक घन दिख रहा होगा बेचारा वो तो काले कलर का नहीं होगा क्योंकि सर वो तो हमारा क्या है जिस कलर में पहले बना हुआ था उसी कलर में है मान लीजिए आपने यहां से घन को खींच लिया बाहर तो इसके पीछे जो घन दिख रहा है उसके भी सर कोई कलर नहीं होगा क्योंकि सर वो तो अंदर की है और अंदर की किसी भी घन पर कोई भी कलर नहीं चढ़ा हुआ है इसलिए उसे कहा जाता है रंगहीन मतलब उस पर कोई रंग नहीं है रंगहीन मतलब एक भी रंग नहीं होना रंगहीन और एक होता है रंगीन मतलब हर तरफ से रंगा हुआ तो रंगहीन उसको हम कहते हैं जीरो फेसेस कलर मतलब ऐसा घन जिसकी एक भी सतह पर कलर ना हो उसे कहा जाता है जीरो फेस कलर एक भी फेस पर कलर नहीं है उसको यहां लिखेंगे फिलहाल हम बात कर रहे थे तीन हमारे ऐसे फेस जिन पर कलर हो जैसे कि मान लीजिए आपका ये वाला वो फेस ये रहा वो फेस इस फेस पर इस फेस पर कलर होना तो इसको देखो या इस वाले कोने को देख लो मैं कोने वाले घन की बात कर रहा हूं यह वो कोना है जिसकी एक सतह दूसरी सतह और तीसरी सतह यह तीनों सतह क्या है तीन अलग अलग सतह हमें कलर से मिलेगी ऊपर भी काला कलर इधर भी काला कलर इधर भी काला कलर तो तीन ऐसे सतह वाले घन या फिर तीन फेस ऐसे रंगे हुए वो आठ होते हैं क्योंकि आप जिस कमरे में बैठे हो ना उसके आठ कोने होते हैं एक दो तीन चार चार ऊपर एक दो तीन चार चार नीचे तो टोटल आठ घन होते हैं इसलिए इसका आंसर ही हो जाता है आठ दूसरी अगर हम बात करें तो हमसे जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि दो सतह रंगीन घन दो सतह रंगीन घन कौन से होते हैं जरा ध्यान से देखिएगा दो सतह रंगीन घन ये वाले होते हैं देखो इसकी दो सतह रंगी हुई है एक ये वाली एक ये वाली एक ही वाली एक ये 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 वाली तो सर ऐसी सतह कहाँ कहाँ दिखती है पता है देखो एक ये क्या होती है हमारी ये लाइन है ना एक यहां इस लाइन पर एक यहां इस लाइन पर वैसे ही हर एक लाइन पर ना सर ऐसी हमें सतह मिलेगी जिसके एक लाइन के इधर और एक लाइन के इधर एक एक सतह होगी जो कि हमारी रंगीन होगी तो हमारे टोटल घन में कितनी लाइन होती है बारह लाइन होती है कितनी लाइन होती है बारह लाइन कैसे होती है सर एक दो तीन चार देखो ऐसे गिनो। एक दो तीन चार नीचे भी चार ही होगी पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह टोटल कितनी लाइन होती है बारह आप कमरे में बैठे एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच छे सात और आठ किसी कमरे की भी आठ बारह लाइन होती है वैसे ही इसकी भी बारह लाइन होती है तो इसका फॉर्मूला बारह से शुरू होगा केवल सतह रंगी हुई होना मतलब किसी घन को उठाओ एक सतह या पूरी की पूरी इसको सतह कहते हैं ये पूरी सतह ये पूरी सतह है, ऐसी तीन सतह पीछे है मैंने जब क्यूब डाइस पढ़ाया था तो मैंने कहा था एक डाइस की छह फलक होती है सतह छह फलक मतलब छह तरफ से हम उसको देख सकते हैं तो सर इसकी केवल सतह कितनी होती है छह सतह होती है इसलिए इसका फॉर्मूला छह से शुरू होता है और रंगहीन घन भाई हमें तो रंगहीन घन पता ही नहीं है हालांकि रंगहीन घन की तो एक भी सतह रंगी हुई नहीं है इसलिए उसको वैसे जीरो माना जाता है या फिर हम उसको वन भी माने तो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल फॉर्मूला देख लो फॉर्मूला ऐसा होता है कि देखिएगा एन माइनस टू सिक्स एन माइनस टू का स्क्वायर और एन माइनस टू का क्यूब मैंने क्या किया एन माइनस टू की पावर वन एन माइनस टू की पावर टू एन माइनस टू की पावर थ्री बस ये हमारे फॉर्मूले होते बाकी कुछ नहीं होता फॉर्मूला बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा था कि टोटल हमारे कोने होते हैं आठ सतह की बात करूं दो सतह रंगी हुई होना मतलब कि हमारे यहां पर भुजा 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 इनकी भुजाएं कितनी है एक भुजा दो भुजा टोटल बारह भुजाएं हैं इसलिए मैंने लिखा बारह एन माइनस टू और सतह सतह कितनी है फेस कितने चेहरे कितने हैं हम इसको एक दो तीन तीन चेहरे देख सकते हैं तीन चेहरे पीछे की तरफ होते हैं टोटल छह चेहरे होते हैं तो छन माइनस टू और जीरो फेसेस कलर्ड में सर एक भी कलर एक भी फेस एक भी चेहरा एक भी भुजा रंगी हुई नहीं होती है इसलिए वहां जीरो लिखो या कुछ भी मत लिखो इससे अच्छा एन माइनस टू जीरो लिखोगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा ना इसलिए लिखा नहीं जाता है एन माइनस टू का क्यूब बस ये फॉर्मूला आप याद करना कल की क्लास में मैं इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा कि मान लीजिए आप लोग कह रहे हैं कि सर हम फॉर्मुले में मान रख के कर सकते हैं मैं आप लोगों से अगर ऐसा ऐसा पूछ पूछा भी गया है एग्जाम में कि एक एक सतह लाल की एक काले की एक हरे की एक नीले की एक और पता नहीं किस किस कलर की अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि एक सतह हरी होनी चाहिए एक लाल होनी चाहिए पर एक काली नहीं होनी चाहिए तो क्या करोगे दो सतह लाल है और एक काली होने की प्रायिकता नहीं पढ़ा रहा हूं पर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं दो सतह है लाल हो वो बताइए एक भी सतह रंगीन हो या नहीं हो वो बताइए तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि देखिए आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ डेमो के रूप में आप कहेंगे हाँ सर मजा आ गया है जैसे कि देखिए ये वाला प्रश्न ये टोटल इतने प्रश्न बनते हैं छोटे घन कितने होंगे छोटे घनों की तीन सतह रंगी हुई कितने घनों की दो सतह रंगी हुई एक सतह रंगी हुई ऐसे कितने छोटे घन है जिनका एक भी फलक रंगीन नहीं हो ऐसे छोटे घन बताइए जिनके केवल काले और हरे रंग से रंगे दो फलक तथा शेष सभी बिना रंग से रंगे हुए हो हरे व लाल रंग में रंगे हुए दो फलक वाले कितने छोटे घन होंगे ऐसे छोटे घनों की संख्या क्या होगी जिनकी केवल दो फलक काले और लाल की होगी छोटे घनों की संख्या क्या होगी जो केवल काले रंग की होगी ऐसे छोटे घनों की संख्या क्या होगी जो केवल लाल रंग की होगी ऐसे छोटे घनों की संख्या क्या होगी जो केवल हरे रंग की होगी कम से कम फलक के रंगा हो कम से कम ज्यादा से ज्यादा ये भी तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो टोटल तेरह प्रश्न करवाने वाला हूं मैं एक घन से जो हम कल करेंगे आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे ठीक है आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया है एक बार फिर से बता देता हूं दिवाली धमाका आज शाम को सात बजे आप सभी लोगों को लाइव जुड़ना है बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी ऑफर तो मिलेगा ही मिलेगा साथ ही साथ बहुत और भी चीज़ें मिलेगी जो हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं बहुत मजा आएगा आज की क्लास शाम सात बजे आप लोग लाइव जुड़िएगा यूट्यूब पर इस वीडियो के ख़त्म होने पर भी आपको मिल जाएगा लिंक और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया होगा ठीक है चलिए थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा दीजिए लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए है ना चलिए इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी थैंक यू बाय बाय जय हिंद आप सभी लोग अपना ध्यान रखें चलिए बाय बाय कल